हेलो बच्चों, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज केमिकल इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जिनके बोर्ड एग्जाम 2023 में जिनके आने की संभावना 101% है। ये प्रश्न पी ब्लॉक के तत्व के हैं, चित्रात्मक प्रश्न है, विस्तृत उत्तरी प्रश्न के रूप में आते हैं और ये 5 नंबर के प्रश्न हैं। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर ले जाते हैं तो आपका 5 नंबर 15 मिनट के वीडियो में 100% तैयार हो जाएगा। ये ऐसे प्रश्न हैं, अगर इन प्रश्नों को आप प्रैक्टिकल के चार्ट पर भी बनाते हैं तो एग्जामिनर जो प्रश्न पूछेगा उन प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे ले जाएंगे और इस वीडियो में आपको ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाएंगे। आपका इसके पिछले वाले वीडियो में पी ब्लॉक से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन बनते हैं, 10 क्वेश्चनों का वर्णन विस्तार से करवा दिया गया है, जिसमें से चित्रात्मक वाले प्रश्न यानी विस्तृत उत्तरी वाले जो प्रश्न है उनका वर्णन क्रम से करवाया जा रहा है और लास्ट आज ये दोनों प्रश्न आपको यहां पर बताए जाएंगे। इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे 2 विधि है जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे और उन दोनों विधियों में से है, एक विधि है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण और दूसरी विधि है डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड विधि का निर्माण। हाँ बच्चों, इसकी कॉपी में लिखने का तरीका क्या है? अगर ये प्रश्न आ जाएगा तो आप लोग कॉपी में लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे सिद्धांत, पहले हेडिंग क्या लिखा जाएगा? सिद्धांत। सिद्धांत में भाषा लिखेंगे, फिर समीकरण लिखेंगे, फिर हेडिंग लिखेंगे विधि और विधि में एक लाइन लिखेंगे कि इस विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल या HCl का निर्माण इस यंत्र में करते हैं, एक लाइन जरूर लिखा जाएगा। फिर उसके बाद फिगर बनाया जाएगा, फिर उसका वर्णन किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस प्रकार इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है आप लोगों तक आसानी तक मिलता रहे। प्रत्येक चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है और जो 15 दिसंबर तक हर हाल में पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको 5 मॉडल पेपर ऐसे दिए जाएंगे, अगर वो 5ों मॉडल पेपर आप तैयार कर ले जाते हैं तो 2023 में कोई ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा कि जो आपको आता ना रहे। यानी आप तैयार कर लेंगे तो आपको पूरा यानी जो 70 नंबर का है, 70 नंबर का 70 नंबर आपको पेपर में मिल जाएगा। देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार करते हैं? तो इसका सिद्धांत है कि जब अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, इस नाइट्रिक ऑक्साइड के ऑक्सीकरण से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जब हम जल मिलाते हैं तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ये सिद्धांत हो गया, बोर्ड पे लिख रखा हमने कि जब अमोनिया का प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जिसके ऑक्सीकरण से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और पुनः जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जल मिलाते हैं तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ये चित्र बोर्ड पे हो गया। अब इसका वर्णन, जैसे अमोनिया का ऑक्सीकरण करेंगे प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, इसका जब हम ऑक्सीकरण करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जल मिलाएंगे तो बन जाएगा नाइट्रिक अम्ल। इस प्रकार हमारा सिद्धांत हो गया। समीकरण संतुलित कर देंगे, बहुत सिंपल समीकरण है। फिर हेडिंग पड़ेगा विधि, हेडिंग क्या पड़ेगा? विधि। विधि में एक लाइन क्या लिखा जाएगा? ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण इस यंत्र में करते हैं। फिर अब यंत्र में करते हैं तो उसका फिगर बनेगा और फिगर देख ले दिया गया है। फिगर में क्या दिया है? सबसे पहले कैटालिस्ट चैम्बर यानी उत्प्रेरक कक्ष दिया गया है, जिसको ऑक्सीकरण कक्ष से जोड़ते हैं और इस ऑक्सीकरण कक्ष को अवशोषण कक्ष से जोड़ते हैं। इसमें क्या लिखा जाएगा कि जब हम अमोनिया और वायु के मिश्रण को कैटालिस्ट चैम्बर में भेजते हैं तो यहाँ पर प्लेटिनम की जाली लगी रहती है जो 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म रहती है। यहाँ पर अमोनिया वायु से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसको ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड के ऑक्सीकरण से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और पुनः इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को
अवशोषण कक्ष में भेजते हैं जहां से ऊपर से जल गिराते हैं। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में बदल जाता है, जिसे हम निकास नली द्वारा बाहर निकाल लेते हैं और जो अशुद्धियां हैं वो क्वालिटेज द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। इस प्रकार ओस्टवाल्डविद द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है आप लोगों को हो गया। एग्जामिनर पूछेगा, अगर चार्ट पे बनाओगे तो एग्जामिनर क्या पूछेगा, पूछेगा ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में किस प्रकार का उत्प्रेरक लगता है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेटिनम। ताप कितना रखा जाता है, 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या मिलाते हैं, एक नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है तो जल मिलाते हैं, ठीक। इस प्रकार हो गया। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सिद्धांत क्या है कि जब HCl का यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्यूपरस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जब HCl का क्यूपरस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। जैसे देखिए सिद्धांत लिखा है कि जब HCl का क्यूपरस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। जैसे HCl का जब हम ऑक्सीकरण करेंगे क्यूपरस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहां से हमारा क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगा और जल बनेगा, समीकरण को हम संतुलित कर देंगे। सिद्धांत हो गया, विधि जो समीकरण सिद्धांत में ही लिखा जाएगा, हेडिंग पड़ेगा विधि। विधि में क्या है, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण इस यंत्र में करते हैं। अब जब इतना लिख देंगे विधि में तो आपका फिगर बनेगा। फिगर में क्या है, फिगर बन गया और फिगर के बाद क्या लिखा जाएगा इसके बारे में वर्णन है। तो फिगर में क्या लिखा जाएगा देखिए, देखते हैं पहले फिगर देखते हैं। सर्वप्रथम एक ऑक्सीकरण कक्ष को कूलर से जोड़कर, एक ऑक्सीकरण कक्ष को कूलर से जोड़कर उसे वाशिंग कक्ष यानी धावन कक्ष से और अवशोषण कक्ष से जोड़ देते हैं। पहले हम चित्र के बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एक ऑक्सीडेशन टावर मतलब ऑक्सीकरण कक्ष को कूलर से जोड़कर, देखिए कूलर से जोड़कर इसको वाशिंग टावर यानी धावन कक्ष से जोड़ देते हैं, धावन कक्ष से और पुनः धावन कक्ष को किससे, एब्जॉर्प्शन टावर यानी अवशोषण कक्ष से जोड़ देते हैं। अब सभी चित्र बन गया, जोड़ दिए, अब क्रिया कैसे करेंगे, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि HCl और वायु के मिश्रण को गर्म गैस की सहायता से, HCl और वायु के मिश्रण को गर्म गैस की सहायता से कैटालिस्ट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं, जहां पर HCl के ऑक्सीकरण से क्लोरीन गैस बनता है। यहां से क्लोरीन गैस बन जाएगा, यहीं से क्लोरीन गैस बनता है। इस क्लोरीन गैस को कूलर द्वारा ठंडा करते हैं और पुनः इसको धावन कक्ष में भेजते हैं, जहां पर ऊपर से जल गिराते हैं तो जो क्लोरीन गैस में, जो क्लोरीन गैस में धूल के कण या अन्य अशुद्धियां रहती हैं वो जल द्वारा धुलकर नीचे बैठ जाती हैं और पुनः शुद्ध क्लोरीन गैस को हम अवशोषण कक्ष में भेजते हैं। इस अवशोषण कक्ष में ऊपर से सल्फ्यूरिक सांद कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का मतलब होता है सांद सल्फ्यूरिक अम्ल गिराते हैं, तो जो क्लोरीन में नमी, यहाँ से जो नमी आई है क्लोरीन गैस में जो नमी आती है वो नमी H2SO4 द्वारा अवशोषित हो जाती है और शुष्क क्लोरीन गैस अवशोषण कक्ष में ऊपरी रास्ते से बाहर निकल जाता है। देखिए ऊपरी रास्ते से बाहर निकल जाता है और जबकि अशुद्धियाँ सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा नीचे आ जाती हैं और सिलिका द्वारा या तो अवशोषित कर ली जाती हैं। इस प्रकार डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का भी निर्माण हो गया, सिद्धांत हो गया, विधि हो गया, फिगर हो गया, फिगर के बारे में वर्णन हो गया। अब यदि आप इन दोनों प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पक्का हो जाएगा। 15 मिनट के वीडियो में 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। ये श्रृंखला जो चल रही है आप लोगों को पहले चैप्टर से चल रही, पहले चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, ऐसे ऐसे पी ब्लॉक आज खत्म हो गया। फिर अब अगले वीडियो में आप लोगों को हेलो एल्केन और हेलो एरीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए जाएंगे जिनके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने की संभावना है।
यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, या वीडियो में जो भी कमी है उस कमी को आप कमेंट बॉक्स में पिन करिए कि आपके वीडियो में ये कमी है। पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।